थोड़ा सा पुराना है लेकिन आप सब चूंकि सुनते हैं इसलिए सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। अरे तन पे लंगोटी पेट में रोटी सुनेगा मजा आएगा आपको। तन पे लगोटी पेट में रोटी सोने को एक खटिया सोने को एक खटिया मतलब तो है नींद से चाहे घटिया हो या बढ़िया राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। सुनिएगा नफरत को दूर भगावो और सबको गले लगावो हर दाल रोटी खावो हरि के गुण गावो ये समझो और समझावो थोड़े में मौज मनावो अरे दाल रोटी खावो प्रभु के गुण गावो दाल रोटी खावो प्रभु के गुण गावो दाल रोटी खावो प्रभु के गुण गावो। ये तो तर्ज थी, मर्ज सुनिएगा भाई साहब दादा। तीन हट होते हैं, बाल हट तीन की दो होते हैं। कभी कभी दिमाग से उतर जाते हैं। बाल हट राज हट तिरिया हट और क्या, राजा ने फरमान सुना दिया तुम्हारा चाहे सही हो चाहे गलत करना पड़ेगा। अब बालक ने अगर कह दिया कि पापा हमको ये वाली साइकिल चाहिए तो फिर आपको खरीदने पड़ेगा महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात त्रिया की, महाराज जब राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट जी फंस गए जाल में तो हम आप कौन से हैं महाराज। और सुदामा जी, सुदामा जी गरीबी से परेशान हैं लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान के खिलाफ कार्य नहीं किया, स्वाभिमान के खिलाफ कार्य नहीं किया भेड़ भैया। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कहा कि स्वामी आपके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, आपको इतना मानते हैं कम से कम चले जाओ, आप हमारा और आपका जीवन भी सुधर जाए। सुदामा जी कभी नहीं माने लेकिन जब उन्होंने हट किया तो सुदामा जी कह रहे हैं अपनी पत्नी सुशीला से कि सुशीला सुदामा जी कह रहे हैं महल तू महिला कैसे सोचू। आप विचार करिएगा जेब में अगर 50 रुपया है महाराज तो हम कहां से एसी खरीदने का सोचेंगे। सत्य बात है कि नहीं। महल तू महिला कैसे सोचू झोपड़ी में नहीं एक टटिया झोपड़ी में नहीं एक टटिया मामले को समझते रहिए गुरुदेव। और सोफा बेड कुर्सी ना जानू बस एक टूट ही खाटिया का सोफा बेड कुर्सी क्या जानू। तो सुनिएगा राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम का बस हरि का नाम लो बस
एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, अगर आनंद आए अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए। दुर्गेश जी, सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी सुशीला से कि देवी लालच ना मन में लावो। लालच नहीं करना चाहिए, लालच ना मन में लावो, बच्चों को भी समझावो। क्यों? अरे नून रोटी खावो, जो उसकी कृपा से आज मिल रहा है हमको, इतने हमारी क्षमता है। अरे नून रोटी खावो, हरि के गुण गावो, नून रोटी खावो, हरि के गुण गावो, नून रोटी खावो, हरि के गुण गावो। सुदामा जी ने कहा कि नमक रोटी खाओ लेकिन स्वाभिमान से समझौता ना करो, लेकिन सुशीला जी नहीं मानी। सुदामा जी को जाना पड़ा कन्हैया के लगे, कन्हैया के पास। और जब गए, जब वहां से वापस आए तो देखे महाराज की जो झोपड़ी थी वह नहीं, वहां महल बना है। अब अचानक आपको आपके घर की जगह महल दिख जाए तो आप तो यही सोचेंगे कि भगवान मेरी झोपड़ी कहां गई। अब उधर अंदर से सुशीला जी, जिनके जिनका गरीबी से बुरा हाल था, वो आज रानी बन गई। अंदर झरोखे से झांका और बुलाया, कहा पांडे जी इधर आइए। सुनिएगा, सुशीला जी ने कहा, कहा स्वामी जी अंदर आओ। स्वामी जी अंदर आओ, अब चिंता दूर हटाओ। क्यों? अब समय बदल गया नमक रोटी वाला। अरे दूध रोटी खावो, हरि के गुण गावो, दूध रोटी खावो, हरि के गुण गावो, दूध रोटी खावो, हरि के गुण गावो, दूध रोटी खावो, हरि के गुण गावो। एक बार प्रेम सोले सांवरे सरकार की, प्रेम सोले बागेश्वर महाराज की। धन्यवाद। और ये